तो हे गाइस यार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, ब्रांड न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ हाउ टू प्ले क्रिकेट 19 इन एंड्रॉयड फ़ोन। गाइस इसके देखो गाइस ज़्यादा वे तो नहीं है, लेकिन जो तरीके अभी तक पॉसिबल हुए मेरे से या फिर जितने भी मैंने आज तक सुना है, वो सारे कंट्रोल्स तुमको आज बता दूंगा। तो तुम्हारे फ़ोन में वर्क कर सकता है क्योंकि मेरे फ़ोन में वर्क करता है। बट ये गाइस काफ़ी सारे लोग उसको मानते नहीं है गाइस, वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्रिकेट 19 आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर आ जाए। तो भाई देखो यार, तुम बिल्कुल सही हो यार, मैं तुम्हारी गलती तो नहीं कह सकता, बट क्या है ना भाई, हर चीज़ को करने के दो तरीके होते हैं, एक तो गाइस तुम लोग को दिखता है और एक नहीं दिखता है। तो ये जो तरीका, ये नहीं दिखने वालों में से एक है। तो दरअसल तुम लोग क्या सुनते हो, जो सुनते आए हो तुमको आज तक उसी पर भरोसा रहता है, पर गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिकेट 19 एंड्रॉयड फ़ोन में चलता है, हाँ थोड़ा सा तुम्हारे फ़ोन के हिसाब से चलता है। लाइक तुम्हारे फ़ोन का रैम 2 GB है, तो गाइस वो थोड़ा चिपकेगा, वो लैग करेगा, इसमें कोई गलती नहीं है भाई। मुझे लगता है ये करना भी स्वाभाविक है, गाइस 2 GB रैम में क्रिकेट 19 बहुत लैग करके चलता है। दूसरी बात गाइस, आपका फ़ोन अगर 16 GB या फिर 32 GB रैम का है, मतलब कि आपके फ़ोन में अच्छी खासी चीज़ें हैं। लाइक मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास इस वक्त ROG फ़ोन है, ROG इतना गेमिंग फ़ोन होते हैं, एंड उसमें अगर आप लोग इस ट्रिक को इस्तेमाल करोगे दैन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड वो सही चलेगा। क्यों चलेगा गाइस? क्योंकि इतना ज़्यादा रैम है कि वहाँ पर नहीं चलेगा तो कोई किधर चलेगा, ठीक है। तो दरअसल मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूँ कि आप लोगों के फ़ोन में अगर आपके रैम के हिसाब से, वरना वर्क तो ये ट्रिक सब में करेगी, बट कितना अच्छा करेगी ये आपके फ़ोन के डिपेंड करता है। तो चलो मैंने आपको ये बता दी कैसे वर्क करेगी, अब बताता हूँ, नहीं मैंने आपको बताया था कहाँ वर्क करेगी, अब बताता हूँ कैसे वर्क करेगी। तो गाइस देखिए, सारे ये सब गेम PC के गेम होते हैं, यानी PC गेम्स के अंदर आप लोगों को पता होती है कि आपके पास एक PC होना चाहिए, जिसके बाद बहुत सारा PC में भी इसका साइज़ बहुत होता है एंड 6 GB रैम चाहिए इसको खेलने के लिए। बट एक चीज़ आपको और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, एक चीज़ के बारे में आप लोगों को एक शेयर करते हुए आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गाइस यहाँ पर क्रिकेट 19 या फिर कोई भी PC गेम आपको खेलना है और कैसे खेलना है ट्यूटोरियल वाइज। सो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि गाइस ये ट्यूटोरियल वाइज जो मैं तुमको बता रहा हूँ, ये मेरे अगले कल वाले वीडियो के अंदर बताऊँगा। अभी थोड़ी जल्दी में हूँ, आउटडोर में हूँ, इसीलिए तुमको ये नहीं बता पाऊँगा कि मैं इसको कैसे करना है। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, शॉर्ट में सुन लो, कल पूरा वीडियो वाइज ट्यूटोरियल लेके आएंगे, वहाँ पर शेयर करेंगे आपके साथ सीक्रेट। आपको पता होगा बैकग्राउंड में कितना नॉइज़ आ रहा है, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ उसको बंद करने की। तो गाइस यहाँ पर अभी तो चलो इतना ही बहुत है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को इसको कहाँ खेलना होता है। तो गाइस देखो, दरअसल इसको खेलने के लिए आप लोगों को 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के लिए लगना चाहिए भाई एक मस्त सी चीज़, जिसका नाम गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसका नाम है क्लाउड गेमिंग। अब गाइस काफ़ी ज़्यादा लोग कहेंगे क्लाउड गेमिंग कैसे वर्क करेगा, तो भाई वो कल वाली वीडियो में बताऊँगा, पर अभी बता देता हूँ कैसे वर्क करता है, ठीक है, करेगा नहीं कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले गाइस क्रिकेट 19 जो गेम है गाइस, इसके लिए आप लोगों को क्लाउड गेमिंग होना चाहिए, इसके लिए आप लोगों को पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हाँ अगर फ्री में जुगाड़ ढूंढ रहे हो तो कल वाली वीडियो में आ जाना भाई, प्रस्थान करेंगे कल वाली वीडियो को, ज्ञानी बाबा तुमको समझाएंगे कैसे करना है। एंड अभी मैं तुमको बता देता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से आप लोग को चलता है। तो भाई किसी और के सर्वर से आप लोग गेम खेलोगे, मुझे पता आपको पता होगा क्यों पकाना। और यहाँ पर मेनली बात ये होती है, क्लाउड गेमिंग के अलावा भी एक तरीका है इसको खेलने का, जिसको आपको कल वाली वीडियो के अंदर आपको शेयर करूँगा वो तरीके को, जिसकी वजह से आप लोग दोनों ही तरीकों में से एक तरीका तो आराम से यूज़ कर सकते हो एंड खेल सकते हो क्रिकेट 19 को अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर। दोनों तरीके सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, पर कल वाली वीडियो में आ जाना यार। हाँ कहोगे भाई आज की वीडियो में क्या बताया तूने, भाई ये बताया कैसे वर्क करेगा, अब कल वाली वीडियो में बताऊँगा हाउ इट इज़ वर्क। आज की वीडियो में बता दिए, कल मैं बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है कैसे करना है। और हाँ इसका साइज़ भी ज़्यादा नहीं होगा, एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ रही है ना, कल तक इंतज़ार कर लो। और हाँ 700 सब्सक्राइबर तक पहुंचा देना कल तक यार, प्लीज़ 700 सब्सक्राइबर तक पहुंचा देना, रूट टू 700 सब्सक्राइबर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड बाय बाय।